नमस्ते योगीज, स्वागत है आपका वेट लॉस सीरीज़ के डे टू में। आशा करती हूँ कि आपने डे वन सफलतापूर्वक अच्छे से कर लिया होगा और मेरे नियम भी आप ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने वो नियम नहीं देखे हैं तो इस लिंक में जाकर आप ज़रूर उनको देखें, क्योंकि आप योगा करेंगे और डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट ज़रूर नज़र आएंगे। तो चलिए अब साथ में हम योगा शुरू करते हैं डे टू का। तो आज हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार कई बार हम जब लगातार करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दो सूर्य नमस्कार एक बार में करेंगे, फिर एक आसन करेंगे, स्टैंडिंग आसन करेंगे खड़े होकर, फिर दो करेंगे, फिर खड़े होकर आसन करेंगे। इससे हमारा पूरा वर्कआउट भी होता है और जो सेशन है वो थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैट के जो शुरू वाली जगह होती है वहाँ आ जाएँ, क्योंकि पूरा मैट चाहिए होता है सूर्य नमस्कार के लिए। आप दोनों पैरों को या तो बिल्कुल साथ में चिपका सकते हैं या थोड़ा सा गैप होगा। इसके बाद ताड़ासन समस्थिति में हम आएंगे, जिसके लिए पैरों पर पूरा अच्छे से वजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैरों के पूरे तलवे के ऊपर सामने देखेंगे, जो छाती है वो एकदम बाहर की तरफ खुली हुई होनी चाहिए। आप सीधे खड़े होंगे इस तरीके से और जो दोनों हथेलियाँ हैं वो इस तरीके से खोल देंगे। एक लंबा गहरा सांस लें, और अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। सबसे पहला शुरू करेंगे नमस्कार आसन, जिसके लिए सांस अंदर भरेंगे और हाथ भी ऊपर लेके जाएंगे, और छोड़ते हुए दोनों हाथों को नमस्ते में लेकर के आकर नमस्कार आसन करेंगे। स्टेप वन, दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, हस्त उत्थान आसन। स्टेप नंबर टू, सांस भरेंगे दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन, यानी कि पैरों को हाथों से टच करेंगे और घुटने सीधे करने हैं, नहीं तो आप ऐसे मोड़ लेंगे, क्योंकि अगर आप सीधा करेंगे तो आपकी फिर जो है कमर गलत पोस्चर में आएगी। तो हम घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हैं ताकि हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। सर थोड़ा सा नीचे झुकाएं, और इसके बाद अश्व संचाल आसन करेंगे स्टेप नंबर थ्री। तो कोई भी एक पैर आप पीछे लेके जाएं, जैसे मैंने राइट लिया है, और आप सामने देखेंगे, ये पोस्चर होना चाहिए। आप चाहें तो घुटने को नीचे रख लें, और ये वाला जो मैं आपको करके बता रही हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा बैक में स्ट्रेच मिलता है, पैरों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हथेली को नीचे रखते हुए हम लोग चले जाएंगे अगले स्टेप की ओर, जो है पर्वत आसन। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें, इस तरीके से कमर नीचे कर लें, ये देखिए सीधी रहेगी। और अगर आप एड़ी नीचे नहीं रख पा रहे तो आप थोड़ा सा घुटनों को मोड़ लें, नहीं तो आप मेरी तरह इस तरीके से करें। अगले स्टेप में जाने के लिए, जो कि है अष्टांग नमस्कारा, जिसके लिए हम दोनों पैरों को पहले नीचे रखेंगे घुटनों को, इसके बाद अपनी छाती को हल्के से नीचे लेके आएंगे, चिन को टच करेंगे, सामने देखेंगे, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंग आसन करेंगे। अगर आप इतना कर सकते हैं इतना करिए, इतना कर सकते हैं इतना, नहीं तो आप फुल करेंगे। आंखें बंद, सांस छोड़ते हुए अब हम दोबारा जाएंगे पर्वत आसन की ओर। पैरों के बीच में अपने हिप के बराबर इसमें गैप रखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वही जो लेग पीछे लेके गए थे उसको ही हम आगे लेके आएंगे। एक बार में आप नहीं ला सकते हैं तो पहले आप बीच में लेके आए इसको, फिर आगे खिसकाएंगे। घुटना और एंकल एक सीध में रहेगा, सामने देखिए। फिर से अश्व संचाल आसन में आ गए, यहाँ से रिवर्स शुरू हो चुका है पर्वत आसन से, दूसरा पैर भी इसको ज्वाइन करेगा, ये देखिए पद हस्त आसन में। थोड़ी देर यहाँ रुके, इसके बाद सामने देखे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे हस्त उत्थान आसन के लिए, और यहीं से हम दूसरा शुरू कर देते हैं। फिर से नीचे आ जाइए, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, इस बार लेफ्ट वाला लेके जाएंगे सामने, अश्व संचाल आसन, दूसरा पैर पीछे, पर्वत आसन, दोनों घुटने नीचे, अष्टांग नमस्कार, भुजंग, सांस को छोड़ते हुए फिर से पर्वत में आ जाएंगे, ये देखिए, और फिर लेफ्ट वाला लेग आगे अश्व में आ जाएंगे, दूसरा पैर आगे,
पदहस्तासन, सांस भरते हुए ऊपर, हस्त उत्थानासन, सीधे, फिर नमस्कार आसन पे आप खत्म करेंगे। तो सूर्य नमस्कार अभी हमने दो किए हैं, अब हम एक आसन करेंगे। आज हम करेंगे गॉडेस पोज। बहुत ही पावरफुल पोज है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको करने में। इसको डीप करने के लिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, आज हम दो बार करेंगे। तो पैरों को सबसे पहले हम लोग देखिए मैट के बीच में आ जाइए और देखिए अपना जो छाती है उसको सीधा खुला छोड़ेंगे। बहुत अच्छा आसन है आपके पैरों के लिए, आपके बेली फैट के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी टोनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आप पैरों को पूरा खोल लें, ठीक है। ये देखिए मैंने ऐसे खोला हुआ है, आप ये देखेंगे कि आप कितना पैर ओपन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे बराबर करना है, हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अपने जो पंजे हैं उनको हम साइड्स में खोलते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले एक पैर का ट्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक लाइन में सीधा इस तरफ, यही चीज़ कोशिश करेंगे हम दूसरे पैर के साथ। जब यहाँ आ जाएंगे इसके बाद हमें क्या करना है, सामने देखना है, पहले यहाँ पे स्टेबल हो जाए। यहाँ पे ये होता है फाउंडेशन ऑफ आसन। फाउंडेशन का मतलब नींव रखना, जहाँ पे शरीर पहले हम बैलेंस लेकर के आते हैं और उसके बाद आसन में एंटर करते हैं, ठीक है। अब एंट्री करने के लिए हम लोगों को दोनों हाथों को सीधे लेके आना है, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके गए, जोड़ दिया हथेलियों को, और एक्सहेल जब करेंगे ना तो आपको नीचे घुटने भी झुकाने हैं, हाथ ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा। ये देखिए यहाँ तक। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इधर आने के बाद अगर आपको लगता है कि आप पैर और खोल सकते हैं तो आप उसे खोलिए। ये देखिए इस तरीके से और नीचे आते जाइए, इसको डीप करते जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्ट्रेच महसूस होगा, बहुत ही अच्छा आसन है। और यहाँ पे फिर हम आराम से लंबी लंबी सांसें लेंगे, 5 सेकंड, 3 सेकंड, जितना आप रुक सकते हैं उतना आप रुकिए। और इसके बाद दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे, हल्के से ऊपर आएंगे, पंजा आगे करेंगे और फिर स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ दोबारा करते हैं। अब जैसे ही उठेंगे देखना आपको यहाँ पे जलन महसूस होगी। तो जितने भी लेडीज़ हैं जिनको लगता है कि उनके थाइस बहुत हैवी हैं, उनको गॉडेस पोज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। अभी हम दो बार करेंगे शुरू में, जब आप 7 कंप्लीट कर लेंगे सेशन तो आपको क्या करना है, दोबारा रिपीट करना है। और जब दोबारा रिपीट करेंगे तो आप वही आसन को बार बार करेंगे, 3 बार, 5 बार, जितने बार भी। फिर से देखिए पंजा बाहर लेके आ गए, सांस भरिए और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ऐसे बैठना है नीचे जैसे कोई स्टूल रखा हुआ हो अगर बीच में, तो अगर हम बैठेंगे तो कैसे नीचे झुकते जाएंगे, हिप को नीचे लेके आएंगे। साइड में अपने पैरों को देख लें और खोल सकते हैं, देखिए आपकी क्या मतलब आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, पूरा नीचे आ गए, हाथ यहाँ पे रहेगा। शुरू में हाथ अगर यहाँ नहीं ला सकते तो थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, यहाँ रख लेंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे। सांस भरेंगे थोड़ा ऊपर और इस तरीके से, फिर अंदर वापस कैसे निकलेंगे इस तरीके से, ताकि आपको कोई भी चोट ना लगे। इसके बाद हम फिर से 2 सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर हम एक आसन करेंगे, ठीक है। तो मैट के शुरू में आ जाए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 15 सेकंड का, ताड़ासन में खड़े रहेंगे, चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। आंखें खोलिए, सांस भरिए, दोनों हाथों को लेके जाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन स्टेप नंबर 1, दोनों हाथ आगे, हस्त उत्थानासन, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, राइट लेग पीछे, अश्व संचाल, इस तरीके से सांस भरते हुए फिर भुजंग, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर से पर्वत में आ गए, ठीक है। जो लेग पीछे लेके गए थे उसी को लेके आए, एक एक स्टेप करके बीच में लेके आए, फिर थोड़ा सा आगे, इस तरीके से हमें करना है। दूसरा पैर आ जाएगा, ये देखिए पदहस्तासन, हाथों को आगे करेंगे, हस्त उत्थानासन, फिर यहीं से दूसरा वाला शुरू कर देते हैं। इस बार लेफ्ट को ले जाएंगे, सामने देखेंगे, दूसरा पैर पीछे, पर्वत में आ गए,
फिर अष्टांग कर लेते हैं, इनहेल करते हुए भुजंग कर लेते हैं, फिर से सांस छोड़ेंगे और पर्वत में आ जाएंगे और लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे। जो पैर आगे लेके आते हैं वही पीछे जाता है, ये ध्यान रखना है, इससे पूरा राउंड कंप्लीट होगा। पद हस्तासन, सांस भरेंगे, हस्त उत्थानासन, सांस छोड़ेंगे, नमस्कार आसन, एक लंबा गहरा सांस लें। तो ये दो राउंड्स हो गए और अब हम करेंगे वॉरियर पोज वन। इसके तीन वेरिएशन हैं, वन करेंगे आज हम। हिंदी में इसको कहा जाता है वीर भद्रासन, विजय प्राप्त करने वाला आसन, बहुत ही पावरफुल पोज है। गॉडेस पोज के बाद जो वीर भद्रासन है वही पोजेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छे होते हैं हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए। तो जो वॉरियर पोज है उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेम चीज़ करनी होती है आसन के लिए, कि पहले आप स्टेबल होते हैं, एंटर करते हैं, रुकते हैं वहाँ पे, होल्ड करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाउंडेशन के लिए पैरों को फिर से खोलेंगे। ये देखिए 3-3.5 फीट जितना आपको लगता है आप खोल सकते हैं खोल लेंगे। इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें सबसे पहले राइट लेग को आप बाहर की तरफ निकालेंगे, ये देखिए। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि जो आपकी हील है वो दोनों पैरों, जो आपका पैर है बिल्कुल मिड में एक लाइन में आ रहा हो, इससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। पहले आप यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दूसरा लेग है यानी कि लेफ्ट वाला, उसके पंजे को हल्का सा अंदर लेके आएंगे, और अंदर लाते ही क्या होगा, आपका हिप थोड़ा सा टिल्ट करेगा, क्योंकि हमें हिप को टिल्ट करना है। हमारे हिप की जो नाभि, जो हमारा नाभि है पेट का, उसको हमें बिल्कुल इस तरफ लेके आना है, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ पे रुकिए। तो सबसे पहले हमने पैर खोला, इसको साइड में लेके गए, पंजे को अंदर लेके आए, हिप को सामने लेके गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा टिल्ट करते जाएंगे और खुद नोटिस करेंगे कि आपकी जो छाती है वो एकदम वॉल के सामने है, आपकी जो नाभि है वो भी सामने है। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि आप थोड़ा पैर और खोल सकते हैं, ये देखिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब यहाँ पे घुटने को मोड़ेंगे और इतना मोड़ेंगे कि आपके जो एंकल है, जो आपकी एड़ी है, उससे वो आगे ना जाए। और फिर देखिए अपना हिप को बिल्कुल सामने रखेंगे। यहाँ आने के बाद हम ये देखिए और नीचे जा सकते हैं, और जाएंगे बिल्कुल सामने, और सांस भरेंगे और हाथ एकदम सीधा, उंगलियाँ पूरी खुली हुई। ये हुआ वीर भद्रासन एक। रुकेंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरें और छोड़ते हुए गोल घुमाते हुए इस तरीके से वापस आएंगे, दोनों हाथों का सहारा लेके हल्के से घुटने को वापस, जैसे गए थे वैसे ही। फिर देखिए घुटना वापस, पैर सीधा इस तरीके से, या तो यहाँ पे खड़े रहें या थोड़ा सा वापस आके ब्रेक ले लें, क्योंकि अब हम दूसरी साइड पर सेम चीज़ करेंगे, लेफ्ट साइड पर। एक लंबा गहरा सांस ले लें, चलिए दूसरी तरफ करेंगे। अब बहुत ही अच्छे आसन है ये, लेफ्ट वाले को खोला, एड़ी चेक करी, एड़ी बिल्कुल बीच में है। इसके बाद दूसरा जो पैर है उसके पंजे को भी हल्का सा घुमाया, जिसके कारण हमारा जो हिप है वो देखिए सामने हो जाएगा। जब होने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या पैर और खोल सकते हैं, फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे घुटने को मोड़ेंगे और आँखों से देखते रहेंगे कि ये एंकल से आगे ना जाए। फिर चेक करेंगे अपने हिप को, अलाइनमेंट इसको कहा जाता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आसन सही बैठा है या नहीं बैठा है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा कमर पे भी देखेंगे कि वो सीधी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सांस भरेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरें और हाथों को पीछे गोल घुमाते हुए घुटनों पे लेके आएंगे, और धीरे से फिर घुटने को वापस, पैर वापस, और यहाँ से एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे, वापस आ गए। इतने में ही आपको पूरे पसीने आने लगेंगे, पूरे पूरे बॉडी के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। वीरभद्रासन 2 और 3 हम आगे सीखेंगे, आज हम 1 करेंगे और अब हम फिर से सूर्य नमस्कार के 2 राउंड्स करेंगे। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। आप सबसे अच्छा ये होगा कि आप मेरा वीडियो चला करके करें,
क्योंकि कई बार योगा में क्या होता है, आपको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता तो आपसे ज़्यादा लंबे टाइम तक सेशन नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग तरीके से कराने की कोशिश की है। चलिए तो 15 सेकंड का फिर से हम एक ब्रेक ले लेते हैं। सामने देखिए, आंखें बंद करें, तड़ासन समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और इस टाइम पे कोशिश करेंगे कि जो आपका पांव है वो अच्छे से स्टेब्लिश है, उसके हर एक कोने पर हमने अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहीं हमने पूरा एड़ी के ऊपर वेट तो नहीं डाला या हम पूरा वेट आगे नहीं डालते। इस तरीके से हम अपना हल्के से थोड़ा सा पोस्चर के ऊपर ध्यान देंगे, छाती एकदम खुली रहेगी, जो हिप है वो ढीला ना होके टाइट रहेगा अंदर की तरफ। ये देखिए, अंदर की तरफ क्लेंच करेंगे बटक्स को और डीप ब्रीदिंग। चलिए शुरू करते हैं, सांस भरिए। पहला स्टेप, हाथ आगे, इनहेल, एक्सेल, पदहस्तासन, दोनों हाथ नीचे, ये देखिए राइट लेग पीछे, अश्व संचालासन, वेरी नाइस। दूसरा वाला पैर पीछे लेके जाएंगे, कमर सीधी, एड़ी नीचे नहीं जा रही है, हल्का सा मोड़ दें, फिर चले जाएंगे अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंग, एक्सेल, राइट लेग जो पीछे ले गए थे सेम लेग को आगे लेके आएंगे, घुटने एकदम सीधे या नीचे रख लें जैसे आपको ठीक हो, ध्यान रखना है कि घुटना आगे नहीं जाएगा। इसके बाद पैर को लेके आए आगे, पदहस्तासन, इनहेल, फिर अगले में चले जाएंगे यहीं से, लेफ्ट वाला लेके गए इस बार, सामने देखा, राइट लेग पीछे, घुटने नीचे, अष्टांग नमस्कार, इनहेल, एक्सेल, सेम लेफ्ट लेग आगे, दूसरा पैर, इनहेल, एक्सेल करते हुए नमस्कार। आंखें बंद करें, हाथ धीरे से नीचे लेके आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से दो राउंड कंप्लीट कर लिए और अब हम आखिरी आसन करेंगे, वो स्टैंडिंग ही होगा, जिसको कहते हैं ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। जैसे पहले आसन शुरू करा था, आसन में एंट्री करनी है, रुकना है और फिर एग्जिट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3-3.5 फीट जो भी आपको सही लगे अपना पैर खोलेंगे, फिर राइट लेग को आप उसका जो पंजा है उसको पूरा का पूरा सामने की ओर खोल देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद कोशिश करेंगे थोड़ा पैर और खोल लें, क्योंकि आप जब ज़्यादा पैर खोलते हैं तो आपका ये आसन अच्छा बैठता है। इसको हम त्रिकोण आसन कहते हैं, त्रिकोण आसन का जो इंग्लिश में मतलब है वो ट्राइंगल पोज है, ट्राइंगल मतलब तीन कोने। तो आप अगर अभी देखेंगे तो मेरा एक ट्राइंगल बना हुआ है ये मेरे पैरों के बीच में, ठीक है। फिर मैं इनहेल करूँगी और एक्सेल करके हल्के 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 हल्के, ये देखिए मेरी छाती एकदम खुली हुई और सीधी है, मैंने हाथ को यहाँ रखा। अब आप अगर देखेंगे तो मेरे हाथ के और नीचे पैर के हिस्से में भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये करने में अभी दिक्कत है तो आप सिर्फ यहाँ तक जाएं, ठीक है, लेकिन आपका जो चेस्ट है वो टिल्ट नहीं होगा अंदर की ओर, वो सीधा रहेगा, ठीक है। पहले यहाँ तक आएंगे, अगर यहाँ आ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। धीरे 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 करके हम लोग नीचे अपनी रेंज बढ़ाते जाते हैं और फिर हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है। फिर इनहेल करके वापस आते हैं और एक्सेल करते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, पैर को वापस लेके आएंगे, सेम चीज़ दूसरी तरफ करेंगे। अगर आप इस वक्त थक गए हैं तो आप एक लंबी सांस लेके 10-15 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। पैर वापस भी ला सकते हैं, मैंने अभी खोला हुआ है। तरीका यही होता है कि आपने एक साइड ख़त्म किया और तुरंत आप दूसरा साइड शुरू कर देते हैं। तो अब दूसरे पैर के पंजे को हम लोग देखिए सामने की तरफ ले जाएंगे और ये वाला जो पंजा है ये देखिए इस तरीके से स्टेबल रहेगा। छाती देखिए एकदम मेरी सीधी है, इनहेल किया, हाथ को एकदम सामने की तरफ ऐसे खोल दिया, हल्का सा इस साइड आए, अब एक्सेल करते हुए। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी रेंज चेक करेंगे कि क्या आप अपना पैर और खोल सकते हैं, ठीक है। नहीं खोल सकते तो वहीं रहेंगे
और एक्सेल करते हुए हम लोग नीचे जाएंगे। ये होता है ट्रायंगल पोज। थोड़ा सा रुकें जितना आपसे रुका जाए, फिर उसके बाद इनहेल करेंगे और एक्सेल करके दोनों हाथ आपके नीचे आ जाएंगे और फिर पैर को आप धीरे 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 करके आसन से एग्जिट करेंगे। तो ये हमने सूर्य नमस्कार और तीन आसन का कॉम्बिनेशन किया है। इसके बाद अब हम धीरे 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 थोड़े आसान आसन करेंगे और बॉडी को कूल डाउन करते जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग कैट काउ करेंगे। कैट काउ के लिए हम लोग नीलिम में आ जाते हैं, अपने दोनों पंजे और अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे कैट काउ के लिए, सामने देखेंगे। इसको मर्जरी आसन, बितली आसन कहा जाता है। ध्यान रखिए कि आपका जो ये घुटना है और हिप एक लाइन में रहेगा, आपकी पीठ एकदम सीधी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले सांस भरेंगे, ये देखिए, और ऊपर देखेंगे। अच्छा सा एक कर्व आना चाहिए आपकी कमर में। और एक्सहेल करते हुए देखिए, पहले हिप को अंदर लेके जाइए, फिर आपकी गर्दन धीरे धीरे नीचे आएगी, चेस्ट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए। फिर इनहेल करेंगे, कमर के लिए बहुत अच्छा है ये। अभी जितने भी आसन हमने किए हैं उसके बाद हमें थोड़ी सी अपनी पीठ को आराम देना है, उसके लिए हम ये आसन कर रहे हैं। फिर एक्सहेल करें, वेरी नाइस। इसके बाद टेबल टॉप में आ जाएं, इसको टेबल टॉप कहा जाता है। पैरों को थोड़ा सा क्लोज लेके आएं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एक पैर ऊपर उठाएंगे, सर भी ऊपर, एक्सहेल, वेरी नाइस। इसके बाद यही सेम चीज आपको दूसरे पैर के साथ करनी है, इनहेल और एक्सहेल। धीरे से फिर आप वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। तो हमने ये मर्जरी आसन का छोटा सा वेरिएशन किया है, इससे हमारी जो कमर है उसको भी अच्छी थोड़ी सी मसाज मिलती है और जो रिलैक्स होने से हमारे जो हमने जितने आसन किए हैं स्टिफनेस आती है वो भी धीरे धीरे खुलती है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम करेंगे भुजंग आसन, ठीक है। भुजंग आसन एक बहुत अच्छा आसन है हमारे पैरों के लिए, ऊपर कंधों के लिए, चेस्ट के लिए, ठीक है। आपकी जो आर्म होती है, आर्म के अंदर वाला जो फैट होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो सामने देखेंगे सबसे पहले और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे इस तरीके से, पैर आपस में जुड़े हुए, एक्टिव। इनहेल करेंगे, यहां तक आके रुकेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर इनहेल करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए, फिर एक्सहेल करेंगे, नीचे आ जाएंगे। तीसरी बार में पूरा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, इनहेल, इस तरीके से कंधे खोलेंगे और आप ऊपर जाएंगे। फिर आप ऊपर सीलिंग की तरफ भी देख सकते हैं, एक्सहेल और नीचे। इसके बाद दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे और जो आपके हाथ हैं उनको भी आपको आगे खोल देना है। इस तरीके से खोलने के बाद अब हम करेंगे लोकस पोज, यानी कि सलभ आसन। जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैर अपना और अपना एक हाथ उठाएंगे हवा में। तो मान लीजिए हमने राइट लेग उठाया और लेफ्ट लेग, एक, दो, तीन, चार, पांच, सांस ले अंदर और छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को ले आए नीचे। सेम चीज दूसरी तरफ, इनहेल, एक, दो, तीन, चार, पांच, नीचे, सांस को छोड़ते हुए। अब क्या करेंगे, पैरों को सीधे रहने देंगे, दोनों हाथों को सिर्फ उठाएंगे, सांस अंदर भरिए, उंगलियां पूरी खुली रहेंगी और ऊपर अपना बॉडी को उठाएंगे।
सांस भरिए, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए 4 से 5 सेकंड और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ गए। दोनों हाथों को ले आइए वापस थाइस के नीचे, सामने देखिए। और अब क्या करेंगे, एक पैर उठाएंगे, इनहेल, यस, एक, दो, तीन, चार, पांच, सांस भरें और एक्सहेल करते हुए नीचे। दूसरी तरफ इनहेल, और यहाँ पे सांस लेते रहें, सांस नहीं रोकना। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक लंबी सांस भरें और एक्सहेल करते हुए पैर वापस। हाथों को थाइस के नीचे रहने दें, सामने देखें। अब कोशिश करेंगे दोनों पैर उठाने की, दोनों पैर को टाइट रखें एकदम, और फिर सांस भरते हुए अच्छे से उठाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच, दोनों पांव नीचे, वेरी नाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ले आएंगे आगे, पैरों को हल्का सा खोल दें। अब दोनों हाथ और दोनों पैर खुलेंगे, ठीक है, ये सबसे एडवांस है। ठीक है, सांस लेंगे हल्के से, एक, दो, तीन, चार, पांच, सांस भरें और एक्सहेल करें हल्के से, वेरी नाइस। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड करके लेट जाए आराम से, क्रोकोडाइल पोज। थोड़ा सा रिलैक्स करें, यहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेंगे। इसके बाद हाथों को आगे खुला छोड़ के थोड़ी देर आप इसी तरीके से लेटे रहें, 4 से 5 मिनट आप ऐसे लेटे रह सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके बाद आपको धीरे से उठ के सुखासन में आके बैठना है। यहाँ पे सेशन खत्म होता है, और जब पूरे आसन खत्म हो जाएंगे तब आप प्राणायाम करेंगे। डे वन मैंने आपको बोला था कपालभाति करने के लिए, आज आप करेंगे अनुलोम विलोम। तो आपको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट जितना आपको टाइम मिले आपको अनुलोम विलोम करना है। तो आपने क्या करना है, एक बार में 15 बार अनुलोम विलोम करना है, फिर गैप लेना है, फिर 15 बार करना है। इस तरीके से हम लोग साइकिल के फॉर्म में उसको करते जाएंगे। अनुलोम विलोम पर पूरी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी लिंक में, तो आप देख सकते हैं अगर आपको सीखना है, और नहीं तो आप इसके बाद प्रैक्टिस करें। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। डे 3 के लिए कल मैं आपको फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।